अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ दाल चना। बनती तो सब घरों में है लेकिन मैं अपने तरीके से बनाने लगी, तो चलो आए मैं अपनी बहनों को सिखाती हूँ कि कैसे दाल चना बनती है। मेरा अपना तरीका कार है, आप लोगों का अपना तरीका कार होगा। तो चलो जी चलते देखते हैं कि थोड़े थोड़े पैसों में किस तरह से अपने बच्चों को बनाकर माएँ खिला सकती हैं। तो चलिए चलते देखते हैं कैसे बनती है। तो एक मेरे से मेरा मैसेज है मेरी बहनों के लिए कि इसी तरह मेरा साथ देते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी बहनें मेरा साथ दे रही हैं। उनके लिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, समझ लें कि मेरा साथ इसी तरह देती रहें, मेरी वीडियोस देखती रहें और इसे लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। तो जी चले चलते देखते हैं कैसे बनती है और शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है और हम सब के घरों के चूल्हे चले। तो चलिए चलते देखते हैं दाल चना कैसे बनती है। जी फ्रेंड्स, ये मैंने दाल लिया है, आधा किलो मैंने दाल ली है चने की। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे उबाल लिया था, उबाल कर मैंने इसे जो मुझके टोकरी में मैंने इसे डाल लिया है। अब इसमें रखा हुआ है, जैसे जब बनाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ। अब ये मसाले जो कुछ पड़े हैं मेरे पास, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आधी बोल ली है क्रीम की, एक बोल लिया मैंने घी का, दो प्याज छोटे दरमियाने लिए मैंने प्याज के, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैंने ग्राइंड कर लिया, ये कुछ हरी मिर्चियाँ हैं ये मैंने इसकी हश कर ली हैं, और ये धनिया पड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये साबुत धनिया लिया मैंने, आप देख सकते हैं एक चम्मच है, एक चम्मच ये चार से ये हरी लाल मिर्चियाँ साबुत, आधी चम्मच नमक के लिए है और आधी चम्मच हल्दी की है, और ये डेढ़ चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्च की है। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो जी ये देखिए मैं पैन में लगी हूँ, फ्लेम मैंने कम किया हुआ है इसका, अब मैं थोड़ा सा बनाने लगी हूँ, इसमें घी ऐड करने लगी हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो जी ये घी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दी। वन टू थ्री। तो जी ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैं ये ऐड कर दी। तो जी ये जो मैंने आपको मसाले ये बताए थे, अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से मसाला बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोरमे का मसाला होता है, तो ये बिल्कुल सादा दाल का मसाला बनाया मैंने, कुछ नहीं इसमें डाला, सिर्फ आपके सामने ही मैंने जो मसाले ऐड किए हैं ये वो ही है। तो अब इसमें मैं दाल ऐड करने लगी हूँ, आपके सामने करूँगी देख लीजिएगा। ये देखिए अब ये दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है, अब इसे दम पर लगाने लगी हूँ। ये दम के साथ बनेगी क्योंकि मैंने इसे पहले उबाल लिया था, अब इसमें पानी और ज़्यादा ऐड करना और आपकी वो दाल ख़राब हो जाएगी। अब इसमें ये जो मैंने आपको क्रीम बताई थी वो डाल लगा। कुछ हरी मिर्चें हैं ये मैंने आपको बताई थी, ये भी इसमें जा रही हैं।
सो सॉरी एम फ्रेंड्स, ये मैंने ना सूखी मेथी जो थी ये बताने भूल गई थी, ये मैंने इसे भिगो कर रखा हुआ था, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये भी साथ जाएगी सूखी मेथी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे जैसे ये दाल में बनती जाएगी ऐसे ऐसे इसकी खुशबू आती जाएगी। आप देख सकते हैं ऐसे मैंने ठीक कर दिया बंद। अब इसे ठीक 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे देखना है, ये बिल्कुल कंप्लीटली तैयार होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसे खा सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ फिर आपके साथ बात करती हूँ। तो जी फ्रेंड्स देखें जो दाल मैं अभी से डिश आउट कर रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी है, बहुत खूबसूरत बन रही है और बहुत मज़ेदार बनी है। ये देखें ज़रा, तो जी अब मैं इसे थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ, साबुत मिर्च के साथ और धनिया के साथ थोड़ा सा डेकोरेट करने लगी हुई, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी और खूबसूरत लुक आ रही है। जितनी खूबसूरत ये आपको नज़र आ रही है इतनी खूबसूरत मज़ेदार खाने में भी आपको आएगी। आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से दाल चना बनकर तैयार हो चुकी है, ये मिनटों सेकंडों में बनती है। जिसको जल्दी भूख लगी हो, इतनी भूख लगी हो, ये आप फौरन रेडी कर आप आगे रख सकते हैं। मेरे भाई को मेरी बहन बना के खिलाए तो मेरे भाई खुश हो जाएगा मेरी बहन के ऊपर कि आज तो कमाल कर दिया, दोपहर का खाना बहुत अच्छा बना दिया, दाल चना बना कर साथ इसके तंदूर की रोटी के साथ आप भी खा सकते हैं। आप वैसे भी खा सकते हैं चमचों के साथ भी, जैसा जी चाहे आप खा सकते हैं। इसको अपन नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जितना मेरी बहन का दिल चाहे आप खा सकते हैं। मेरे भाई का दिल जीतना है तो इस तरह के अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरे भाई को खिलाए तो वो खुश हो जाएंगे। फिर जैसी मेरी बहन चाहे मेरा भाई उसे शॉपिंग करवाने के लिए ज़रूर लेकर जाएगा। तो जी अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मेरी बहन मेरे लिए एक छोटा सा मैसेज है, वो ही है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।